प्रसाद पार्टी के कार्यालय में या मिठाई कैसी। नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म हो चुकी है। कालीन नगरी भदोही में है और कालीन नगरी भदोही में इस समय निषाद पार्टी के कार्यालय में है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख सहयोगी दल के रूप में निषाद पार्टी की पहचान है। निषाद पार्टी अपना दल के बाद ऐसी दूसरी पार्टी थी जिसने साथ दिया भारतीय जनता पार्टी का, और 2017 के बाद 2022 में लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज की स्थिति को देखें तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 75 पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, 2 पर राष्ट्रीय लोक दल, 2 पर अपना दल, 1 सुभाषपा को दी गई है। लेकिन निषाद पार्टी के खाते में अभी तक कोई सीट नहीं आई है। इतना अवश्य है कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के पुत्र सांसद प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर से दोबारा भाजपा के सिंबल पर लड़ाया जा रहा है। हमारे साथ निषाद पार्टी भदोही के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर जी मौजूद हैं। हम चंद्रशेखर जी से बात करते हैं। चंद्रशेखर जी, निषाद पार्टी को एक सीट तो अवश्य मिलनी चाहिए थी। जिस तरह सुभाषपा अभी नई सहयोगी दल के रूप में आई तो उसे घोसी सीट दे दिया गया, तो भदोही तो निषाद पार्टी का जहां तक हम लोग जानते हैं ये जननी रहा है। एक शुरुआती दौर में पहली सीट जीतने का जो श्रेय जाता है ज्ञानपुर विधानसभा, तो निषाद पार्टी के खाते में आई थी और यहीं से बोहनी हुई थी आपकी पार्टी का। तो ऐसा आप लोग नहीं महसूस कर रहे हैं कि लोकसभा में भी अगर बोहनी भदोही से होता तो दमदार होता, क्योंकि एक विधानसभा से आप 16 तक पहुंच गए और एक लोकसभा नहीं, क्योंकि सिंबल बीजेपी का है, एक जो सीट मिली है, क्या कहें। धन्यवाद, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, निषाद पार्टी जब से आई है, निषाद पार्टी के आने से पहले जो निषाद समाज के लोग थे सब अलग अलग राजनीति करते थे। महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद आए, सारे मछुआ समुदाय निषाद पार्टी को अपना पार्टी मानती है और महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को अपना नेता मानती है। तो 2017 में महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद पार्टी ने सपा ने के विरुद्ध चुनाव लड़ी, सपा खत्म हो गई। 2018 में निषाद पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर गोरखपुर से चुनाव लड़ी और वहाँ से प्रवीण कुमार निषाद जी ने हराने का काम किया। 2019 में निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अपना बड़ा भाई मानी और बड़ा भाई मानकर जब निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ आई तो 80 सीट पे जो निषाद समाज का वोट था पूरी भाजपा के साथ गया और 2000 दिल्ली की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने और देश को आगे बढ़ाने का काम किया। 2022 में निषाद पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ने का काम किया। अब निषाद पार्टी जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, 80 सीटों पर निषाद पार्टी का झंडा है, डंडा है, बैनर है, कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं। 80 सीटों पर पूरी तरह से हम एनडीए के साथ हैं और चुनाव में पूरा सहयोग करने का काम करेंगे। लेकिन रही बात सिंबल की, तो देखिए पार्टी की जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं सभी को चाहता है, सभी सोच रहे हैं कि हमारा एक सिंबल हो जाता तो हमें एक अलग ही खुशी जाती है। अगर निषाद पार्टी को अगर सीट मिलती है उनके सिंबल पर चुनाव, अगर निषाद पार्टी एक सीट मिलती है, सिंबल मिलता है, एक सीट चाहे दो सीट जो भी हो, अगर सिंबल रहेगा तो कार्यकर्ताओं में जोश रहेगा, जुनून रहेगा और कार्यकर्ता पूरी लगन से 80 की 80 सीटों पर पार्टी के जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी उनको जिताने का काम करेंगे। मान लीजिए अगर हमारे भगवान डॉक्टर संजय कुमार निषाद, जिसको मसीहा मानते हैं, भगवान मानते हैं, अगर वो दुखी हो गए तो कार्यकर्ता गुस्से में आ जाएंगे तो हो सकता है उसका परिणाम गलत हो और एक लोकसभा लगभग 15-20 लोकसभा को प्रभावित करने का काम करता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर भदोही एक ऐतिहासिक धरती है, ऐतिहासिक लोकसभा विधानसभा है, अगर यहाँ निषादों की आबादी 3 लाख प्लस है, तो अगर यहाँ गठबंधन में निषाद पार्टी को सीट मिलता है तो अगल बगल जितने 15-16 लोकसभा है सभी पे एक संदेश जाएगा कि निषाद पार्टी को एक सीट मिला है, तो सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी का मन है कि एक सीट कम से कम हमारा एक सिंबल होना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर, जिन्होंने मन की बात कही है। वाकई में होना चाहिए, क्योंकि अगर सुभाषपा को एक सीट मिल सकती है तो निषाद पार्टी को क्यों नहीं। निषाद पार्टी के आप भी पदाधिकारी हैं, क्या चाहते हैं, किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी यहाँ का लोकल कैंडिडेट होना चाहिए,
हमारे यहाँ जिस प्रकार डी ब्लॉक के मॉडल के विकास के रूप में माननीय हमारे ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा ने लेके चले हुए हैं, हम चाहते हैं कि वही निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के भोजन भोजन थाली पर गठबंधन उम्मीदवार हो और जीत के शीर्ष पर पहुँचने का कार्य करेंगे। और यही हम आशा करते हैं पार्टी से कि हमारे उम्मीदवार मनोज मिश्रा होंगे। हालांकि डॉक्टर संजय निषाद के पुत्र सांसद प्रवीण निषाद बीजेपी के सिंबल से लड़ रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन निषाद पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं है। भदोही लोकसभा सीट को लेकर जिस तरह से हलचल है। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हम जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ताओं की आवाज़ को सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करते हैं। निषाद पार्टी का एक जिम्मेदार पदाधिकारी और कार्यकर्ता होने के नाते अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने अगुआ, अपने नेताजी के बातों पर विश्वास करता हूँ। और यह भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व से यह अपील करता हूँ कि जिस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने मित्र के साथ मित्रता धर्म ठीक से निभाया, अपने मित्र के साथ धोखेबाजी नहीं किया, वैसे तो आज उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता पर राज करने वाले मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के वंशज हैं, तो डॉक्टर संजय कुमार निषाद जो कैबिनेट मंत्री और हम सभी कार्यकर्ता भगवान गोहराज निषाद के वंशज हैं, ये दोनों की मित्रता में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए, कि कोई भी मित्र नाराज नहीं होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी भोजन भरी थाली के सिंबल पर 78 लोकसभा का अगर चुनाव की घोषणा करता है, भोजन भरी थाली सिंबल हमें देता है, तो त्रिमूड़ और इंडिया गठबंधन जैसे सभी प्रत्याशी सब हवा में हो जाएंगे। वरिष्ठ नेता डॉक्टर यश लाल जी हैं, हम बात करते हैं, आपका क्या मानना है? भदोही तो निश्चित रूप से मिलना चाहिए, उसके लिए एक उदाहरण है जिसको आपने बताया अभी शुरू में कि 2017 में चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में इतिहास कायम भदोही से निषाद पार्टी का हुआ था और एक विधानसभा ज्ञानपुर विधानसभा से भोजन भरी थाली विधानसभा के सदन में पहुंची थी। तो हमारे इस समय जो समीकरण चल रहा है जिले में और हमारे निषाद समाज के लोग इसलिए गुस्से में हैं कि अगर भोजन भरी थाली से हम लोगों को सीट नहीं दिया जाता है पूरे देश में उत्तर प्रदेश में, तो हमारे कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा ज्ञानपुर से हम इतिहास कायम कर सकते हैं, इतिहास दोहरा सकते हैं, उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा हुआ है और भदोही को लेकर अभी जो स्थितियां परिस्थितियां उपजी हैं उसका समीकरण अब पूरी तरह से बदलने लगा है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट को तृणमूल कांग्रेस को दे दिया और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने ललितेश त्रिपाठी को भदोही लोकसभा से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के पास चुनौतियां हैं, आसान नहीं है भदोही लोकसभा सीट की राह, क्योंकि अभी बसपा को प्रत्याशी उतारना है, बसपा की नज़र भारतीय जनता पार्टी पर लगी हुई है, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर जिस तरह से ललितेश पति की एंट्री हुई है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर लोगों की नज़रें हैं। अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद भी चाहते हैं कि जिस तरह सुभाषपा को एक सीट मिली है उसी तरह कम से कम निषाद पार्टी को एक सीट के तौर पर भदोही लोकसभा की सीट मिले, और अगर भदोही लोकसभा की सीट निषाद पार्टी के खाते में जाती है तो निसंदेह चुनाव दूसरी तरफ मुड़ जाएगा और ऐसे में बसपा जिसे भी उतारती है उसके बाद सपा यानी इंडी अलायंस के प्रत्याशी की जीत की राह आसान तो नहीं रहेगी। ऐसा भी संभव है कि जिस तरह विधानसभा में पूरे उत्तर प्रदेश में पहली सीट निषाद पार्टी ने भदोही की ज्ञानपुर सीट के रूप में हासिल की थी, अगर भदोही लोकसभा मिलता है तो यह भी संभव है कि इतिहास खुद को दोहराए और भदोही लोकसभा के रूप में पहली सीट निषाद पार्टी के खाते में आ सकती है। भदोही से मिथिलेश द्विवेदी।